पिछले एक दशक से पंजाब नार्को टेरर से जूझ रहा है। इस समस्या पर उड़ता पंजाब बनाई गई है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह खुशहाल प्रदेश के लोग ड्रग्स की चपेट में आकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। फिल्म की कहानी चार पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। टोनी सिंह एक सफल गायक है जिसके आत्मविश्वास को ड्रग्स ने हिला दिया है। बिहार से काम की तलाश में पंजाब आई लड़की को जबरदस्ती ड्रग्स के दलदल में धकेल दिया जाता है। डॉक्टर प्रीत और पुलिस ऑफिसर सरताज ड्रग्स के खिलाफ लड़ते हैं। ये तीनों कहानियां अलग अलग चलती है। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले सुदीप शर्मा और अभिषेक चौबे ने मिलकर लिखा है। इनका मूल उद्देश्य था पंजाब में फैली ड्रग्स समस्या को सभी के सामने लाना। चार पात्रों के जरिए यह दिखाया गया है कि ड्रग्स कैसे दूसरे देश से आ रही है, कैसे भारत में इसे बनाया जा रहा है, कैसे नेता चुनाव के समय ड्रग्स बांटते हैं, किस तरह पुलिस की नाक के नीचे यह सब हो रहा है। लेखन की कमजोरी यह है कि पृष्ठभूमि तो उन्होंने अच्छी चुनी, लेकिन ड्रामा उतना असरदायक नहीं है। शाहिद और आलिया वाली कहानियां कुछ देर बाद बेअसर हो जाती है। तीनों कहानी को यदि जोड़ा जाता तो फिल्म प्रभावी होती। प्रीत और सरताज वाला ट्रैक उम्दा है। हालांकि जिस तरह से वे ड्रग माफियाओं की मांद में घुसकर पड़ताल करते हैं, वो बात आसानी से हजम नहीं होती। दूसरे घंटे में फिल्म कमजोर पड़ भटकने लगती है। लेखन के बजाय बतौर निर्देशक अभिषेक चौबे ज्यादा प्रभावित करते हैं। उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से शॉट लिए हैं और कई ऐसी बातें भी पेश की हैं जो शायद नहीं लिखी गई थी। लोकेशंस पर खासी मेहनत की गई है। उन्होंने अपने कलाकारों से अच्छा अभिनय कराया है। फिल्म का टोन उन्होंने बिना जरूरत के कहीं कहीं बहुत लाउड रखा है। फिल्म में पंजाबी भाषा का भी उपयोग बहुत ज्यादा है, जिससे हिंदी समझने वाले दर्शकों को कठिनाई होती है। उड़ता पंजाब के कलाकारों का अभिनय फिल्म का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। शाहिद कपूर ने टोनी सिंह के किरदार को जरूरी एटीट्यूड और पागलपन दिया है। उनके एक्सप्रेशन शानदार रहे हैं। करीना कपूर के अभिनय में ठहराव और परिपक्वता देखने को मिलती है। कम उम्र में आलिया भट्ट लगातार कमाल कर रही हैं। करियर के शुरुआती दौर में ही उन्होंने ग्लैमर विहीन भूमिका निभाकर अपने साहस का परिचय दिया है। दलजीत दोसांझ ने बारीकी से अपने कैरेक्टर को पकड़ा और पूरी फिल्म में उसे छूटने नहीं दिया। दमदार कलाकारों की भीड़ में भी वे फिल्म देखने के बाद याद रहते हैं। गीत संगीत फिल्म के मूड के अनुरूप है। सिनेमाटोग्राफी जबरदस्त है। तकनीकी रूप से फिल्म बेहद सशक्त है। पंजाब की समस्या को उड़ता पंजाब दुनिया के सामने लाती है और ड्रग्स से उत्पन्न खतरों से आगाह भी करती है, लेकिन बात को गैर जरूरी आक्रामकता के साथ दिखाया गया है, जिससे फिल्म का प्रभाव थोड़ा कम हो गया है। इस फिल्म को मैं 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ।